नाइस. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि डिजिटल मार्केटिंग में एज अ मार्केटर हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी. सो SEO, AdWords, सोशल मीडिया, दीज आर ऑल प्लेटफॉर्म्स टू ड्राइव ट्रैफिक, राइट. बट देन बिफोर इवन वी लुक एट ड्राइविंग ट्रैफिक टू आर वेबसाइट, द फर्स्ट स्टेप एज अ मार्केटर दैट वील हैव टू गेट इन टू इज अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, द डोमेन, राइट. विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट वी वॉन्ट बी एबल टू सेल द प्रोडक्ट, राइट. सो आई थिंक आज इन टूडेज डे अ लॉट ऑफ डिजिटल मार्केटर्स फेल, एंड द रीजन दैट दे वुड फेल इज अ लॉट ऑफ देम डू नॉट पुट एन एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, डू नॉट पुट एन एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द कस्टमर, एंड पूरा साइकोलॉजी वहाँ पर वो उतना एफर्ट नहीं डालते. आधे एजेंसीज तो अपने ऑफिस से ही काम करते हैं, एंड हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो स्टूडेंट्स भी इस माइंडसेट में रहते हैं, सर ये डेस्क जॉब है ना, राइट. सो डेस्क जॉब है विच इज़ परफेक्ट, आप करोगे लैपटॉप से, आप कहीं से भी कर सकते हो. बट देन टिल द टाइम यू डोंट गो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर, राइट. सो आई ऑल्सो डू सम कंसल्टिंग असाइनमेंट्स ओकेजनली एज एंड व्हेन आई हैव टाइम. सो रियल एस्टेट में आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट लाइक एवरी रियल एस्टेट वी वुड हैव सम लिप्स इंडिया गाय, एंड सर्टन केसेज देयर वुड बी गाइज वर हेडिंग देयर, एंड इन सर्टन केसेज लाइक यू हैव योर ओन, सो वी हैव गॉट फ्यू, सो पीपल हैव डन दीज कोर्सेज. सो देन वन ऑफ आर स्टूडेंट्स यहाँ पे रुनाल डेवलपर्स करके है, तो द ओनर्स डॉटर वॉज ऑल्सो, बट देन आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प. सो आई सेड इफ आई हैव टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, द फर्स्ट थिंग्स आई हैव टू गो मीट योर टीम, उनसे पूछना पड़ेगा किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या पूछते हैं, क्या मिलते हैं. जब तक मैं 100 कस्टमर्स नहीं मिलूंगा मुझे उतना मज़ा नहीं आएगा, मुझे जब तक इफ आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस तरह के लोग आ रहे हैं आई नॉट बी एबल टू टारगेट, राइट. सो एज अ डिजिटल मार्केटर आपका फर्स्ट थिंग शुड बी टू गो एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस. व्हेन आई से बिजनेस में कस्टमर को समझना एक पार्ट है, बिजनेस का पूरा प्रोसेस भी समझना पड़ेगा आपको. सो आई वॉज कंसल्टिंग दिस जिम का चेन सिंस आई एम हियर, सो इट्स अ लार्ज चेन दैट आई वॉज कंसल्टिंग. सो आई सेड इफ आई अंडरस्टैंड मार्केटिंग ऑफ अ जिम, सो कस्टमर्स विल कम फॉर इनिशियल 10-15 डेज ड्रॉप होते हैं, शुरू में ही पैसा देते हैं, राइट. तो पहले उनको जिम का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ेदार लगना चाहिए, तो वो लालच में आने चाहिए. लालच मैंने पहले लालच क्रिएट करना है, फिर उनको लाने के लिए कुछ गाजर होना चाहिए, राइट. और जब आ जाए तो उनको कुछ टाइम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मतलब एक दिन में नहीं बट हाँ विद इन 5 डेज के अंदर में उनसे पैसा ले लेना चाहिए, बिकॉज 15 दिन बाद उसमें से 90% लोग नहीं आएंगे, राइट. सो देन इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ पे पूरा कंटेंट चेंज करवा दिया सोशल मीडिया का, वेबसाइट का, वी सेड विल नॉट यूज इमेजेस, विल यूज ओनली वीडियोज, बिकॉज इफ यू नॉट एबल टू शोकेस व्हाट यू हैव हियर, सो पीपल विल नॉट फील एंड दे विल नॉट फील, सो दे आर नॉट एक्साइटेड, सो यू हैव टू क्रिएट देयर एक्साइटमेंट, राइट. सो एज अ मार्केटर द फर्स्ट थिंग इज यू विल हैव टू स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, व्हेन आई से बिजनेस एंटायर साइकिल. सो वंस वी डन हियर विद द बिजनेस, सो नाउ वी स्टार्ट लुकिंग एट ड्राइविंग ट्रैफिक. सो अगर इफ आई हैव टू ड्राइव ट्रैफिक, वॉट इज अ प्लेस दैट आई ब्रिंग ऑल द ट्रैफिक टू, इफ इट वॉज ऑफलाइन सो देन आई नीड टू हैव अ स्टोर, आई नीड टू हैव अ शॉप, राइट. सो माई ऑनलाइन शॉप इज माई वेबसाइट, राइट. सो नाउ अगेन वेबसाइट इज क्रिएटेड बाई वेबसाइट डेवलपर्स, यू हैव वेब डिज़ाइनर्स हु मेक द लुक एंड फील, मेक द वेबसाइट इंटरेस्टिंग, राइट. सो देन यू हैव वेबसाइट डिज़ाइनर्स डेवलपर्स, एंड देन इनवेरेबली यू हैव कंटेंट राइटर्स हु राइट द कंटेंट ऑन द वेबसाइट, राइट. सो देन बिजनेस विल से ओके तुम वेबसाइट बनाओ, कंटेंट भी तुम ही लिख दो, राइट. अब एक क्वेश्चन, लेट्स से इफ यू गो टू लाइफ स्टाइल स्टोर, राइट, उसका शॉपिंग काउंटर कहाँ पे रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रहेगा, उससे उसके सेल्स पे फर्क पड़ता रहेगा क्या? Yes. पड़ेगा. वो शॉपिंग काउंटर कहाँ पे रहेगा उससे फर्क पड़ेगा. सो वो इंटीरियर डिजाइनर ने इंटीरियर तो डिजाइन कर दिया, बट वेयर डू यू प्लेस ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स, हु वुड डिसाइड दिस, विल इट बी द इंटीरियर डिजाइनर हु डिसाइड्स इट, नो, हु विल डू दैट, क्या लगता है? देर कुड बी सम मार्केटिंग टीम और सम टीम विच लुक्स एट द रेवेन्यू साइड ऑल्सो, बिकॉज दैट हैज़ अ रोल टू प्ले इन टर्म्स ऑफ द सेल्स, राइट.
So similarly, when we say we are going to create our website, it could be a website designer, developer who understands the technicality, but he does not understand the marketing part of it. And that is where as a digital marketer, you will have to get into. So as a digital marketer, one of the most important things that you'll have to get into is in the content of the website. So when I say content, you could have the best of the language written there, or you could have a very simple language with a small bulleted points. Both of them convey the same message, and maybe both of them could have the same kind of impact or little marginal difference, but then something which has to be there has to be there. To wo content kaun decide karega? Aap kahan pe kya? Aur wo designer nahi kar payega, wo content writer bhi nahi soch payega. And this will be 40% of the job of a digital marketer in the days to come, because iske liye I'll have to create a different content because he's still studying, right? For him, I'll have to create a different content because he's finished. Right, you have a business, so for you I will have to create a different content, because each one of you would have a different, and he is working at a senior level, so for him he will need a different content. So if I want to acquire each one of you in the same class, right, I will need that different hook point for each one of you, and itna mujhe dimag lagana padega, right? So we will have to create multiple number of pages, and isko jo story chahiye wo isko dekhna chahiye, usko jo story chahiye wo usko dekhna chahiye, alag alag. So yahan se start hoga. This will be 40% of the job. So for us and Nishant, we keep on creating every day. We create pages only. Sirf content kya hoga? Because Google AdWords aur ye wo itna structured hai ki usme kuch nahi change karenge. It's been 6 years. We don't do anything there. Sirf paisa dalte usme. Sirf story change hogi. Because 2017 ki sales story will be different. 18 is different. 19 is different. And 20 will be different, right? And every month could be different. January, February, Holi, Diwali, New Year, right? So that's where. So as a marketer, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिस इज वेयर 40% ऑफ द सक्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लाइज, राइट? सो वंस वी आर डन विद द वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, लुक एंड फील वी लीव इट ऑन द अदर गाइज, राइट? सो देन आई एम सेइंग कि कंटेंट इज ऑल्सो गोइंग टू बी आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन यू कैन गिव इट टू अ कंटेंट राइटर. आई कैन राइट इट बेटर, बट देन यू हैव टू डिसाइड वहाँ पे क्या होना चाहिए. सो ऑन माई वेबसाइट आई डिसाइड वहाँ पे फीस ऐड करना है नहीं करना है. एक छोटा सा बटन है ना, अगर वहां से फीस हटाया तो क्या होगा? ऑन आवर वेबसाइट इफ आई रिमूव द फीस का बटन, वहां पे फीस नहीं दिखाता हूं, आई विल हैव मोर लीड्स. ज्यादा लोग आएंगे, फिर मेरे टीम को कॉलिंग भी ज्यादा लोगों को करना पड़ेगा, और उनमें से बहुत सारे लोग फिर आगे चल के बोलेंगे नहीं आ रही है तो मेरा बजट नहीं है, सही है? सो देन आई डिसाइड वेदर वो फीस डाल करके डू आई हैव टू फिल्टर पीपल और नॉट, राइट? सो दैट व्हेन पीपल कम टू अस दे नो व्हाट इट इज, राइट? तो ये भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ. सो दैट इज वेयर आई एम सेइंग कंटेंट. सो वंस वी आर डन विद द वेबसाइट एंड द कंटेंट, सो देन वी से ओके, अभी हम लोग वी आर मूविंग फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग विच सी इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन ट्राइंग टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट डिजिटल मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग. सीख रहे थे कैसे करना है, अभी सीख चुके अच्छे जगह पे, सब सीख चुके, राइट? अब वो बोल रहे नेक्स्ट लेवल पे इस डिजिटल मार्केटिंग इफेक्टिव कैसे बनाना है. इफेक्टिव बनाना मतलब यू नीड टू लुक एट दी डेटा दैट यू हैव, एंड उस डेटा के बेसिस पे हम लोग मार्केटिंग करना चाहेंगे. सो देन नाउ वी आर मूविंग टू अ डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग. सो व्हेन आई से डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग, विच मीन्स मेरे पास पहले डेटा तो होना चाहिए, सही है ना? अगर डेटा नहीं है, अगर आज मैं एक रेस्टोरेंट के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो तुम्हारे बिजनेस को नेक्स्ट 3 मंथ्स में आई विल हेल्प यू ग्रो, सो सबसे फर्स्ट थिंग दैट आई विल आस्क इज डेटा दो मुझे, राइट? एंड इफ द बिजनेस डज नॉट हैव डेटा, कोई फायदा नहीं है, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ देन व्हेन वी आर रेडी विद द वेबसाइट एंड कंटेंट, देन वी कलेक्ट डेटा चाहिए मेरे को, तो उसको उसी से हम लोग सेट करते हैं. सो देन देर आर टूल्स लाइक गूगल टैग मैनेजर, विच वील ऑफकोर्स लर्न. इसके थ्रू हम लोग वेबसाइट पे बहुत सारे डेटा कलेक्शन के पॉइंट्स क्रिएट करते हैं. तो डेटा कलेक्शन के पॉइंट्स कैसे भी कुछ भी हो सकते हैं. जितने लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया उनका एक अलग, नीड द नेम, बट एटलीस्ट टेल मी हाउ मेनी पीपल क्लिक्ड ऑन द मेंटर बटन, हाउ मेनी पीपल क्लिक टू व्यू आनंद कुमार का प्रोफाइल, हाउ मेनी पीपल व्यूड 50% ऑफ दिस वीडियो. जिन्होंने 50% तक देखा चलो उनको दूसरा वीडियो तो दिखा सकते हैं. जिन्होंने ये 4 बटन क्लिक किया था उनको, जिन्होंने पेज का 80% स्क्रोल किया है उनको अलग कंटेंट दिखाना है, जिन्होंने सिर्फ 30% पेज स्क्रोल किया था उनको अलग, और मे बी द डेटा सेज की ओके 90% पीपल एग्जिट माई वेबसाइट विद इन टेन विद इन दी
10 pixel, or let's say the first 10% of the height of the page itself. तो उस 10% के अंदर मैं एक पॉपअप दिखाना चाहता हूँ, बट मुझे मालूम तो होना चाहिए कि इतने सारे लोग 10% ऑफ द साइज़ के नीचे ही एग्जिट कर लेते हैं, राइट? तो ये सब डेटा कलेक्शन के काफ़ी सारे टूल्स हैं, जिसमें से एक टैग मैनेजर हम लोग सेट करते हैं उस पर, एंड इसके थ्रू डेटा हम लोग गूगल एनालिटिक्स और ये सब में भी डालते हैं. तो ये सब हम लोग शुरू में ही सेट कर देते हैं. सो व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज वी ट्राइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द ट्रैफिक आने से पहले. Before we open our doors for people to walk in, we should be ready with all of it, right? So then we have data collection bhi collect kar diya wahan pe, and then Google Analytics. Google Analytics abhi sirf set kar raha hai data collection ke liye, right? Now once we're done with this, then we're saying okay, before we open the doors for the customers to walk in, let me also find out a reason that why people who will come should buy it from me, right? कि अगर 100 लोग मेरे पास आएंगे उसमें से 4 तो खरीद के जाएंगे, तो ये तो कोई सेल्स नहीं हुआ, right? अगर 100 आएंगे उसमें से 1 तो खरीद के जा रहा होगा, right? But how can I increase this 1, 2, 3, 4, 5% ऐसा? तो ऐसा वहाँ पे कस्टमर के लिए क्या क्या कर सकता हूँ जिससे कि ज़्यादा कस्टमर्स आ करके खरीदे, right? So then there's a term called CRO. कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है? जहाँ पे हम लोग बहुत सारा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं इनमें से कितने ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं. तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो डिस्काउंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दी कन्वर्जन रेट, कैशबैक इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम थिंग, राइट? और बहुत सारे वेबसाइट्स पर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर देखो, आप वेबसाइट पर जाते हो, वेन यू अबाउट टू एग्जिट एक पॉपअप आता है, इट्स इज वेट अ मिनट, लास्ट मिनट ऑफर फॉर यू. सही है? एक कस्टमर आया 100 रुपीज़ में खरीद रहा है, सही है, जो नहीं खरीद रहा है चला गया, तो उसको 5 रुपया ऑफ कर देते हैं, राइट? और जो 5 रुपया ऑफ लेकर के भी नहीं खरीदा, नेक्स्ट टाइम इफ़ यू विजिट तो बोले सर चलो अभी आप सेकंड टाइम आए हो तो आई विल गिव यू 10 रुपीज़ ऑफ, बट यू हैव टू बाई राइट नाउ. ऐसा कुछ कुछ हम लोग सेट करना चाहेंगे. तो इसके लिए कुछ टूल्स हम लोग समझते हैं. सो व्हेन वी लर्न वी विल अंडरस्टैंड सम टूल्स हाउ टू डू दिस, राइट? बट दैट्स अ टेक्निक दैट वी विल हैव टू इम्प्लीमेंट. तो आज के डेट में ये डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया, उसके हिसाब से फिर, और तो ये CRO वी विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, बट यस दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आज के डेट में कस्टमर सिंपल वॉक इन कर रहा है तो ऐसे नहीं खरीद रहा है, देर हैज़ टू बी सम हुक पॉइंट, राइट? एंड दैट हुक पॉइंट कुड बी एनीथिंग, बट द कस्टमर एक्सपेक्ट्स कुछ तो होना चाहिए मेरे लिए, राइट? तो इसी सेम CRO का एक एग्जांपल देखोगे तो अभी कौन से बैंक बाज़ार लोन्स वाला, कौन सा पॉलिसी बाज़ार तो एक है, और अक्षय कुमार पॉलिसी बाज़ार, बैंक बाज़ार है शायद. तो बैंक बाज़ार के ऐड में आता है ना फ्री सिबिल स्कोर चेक करते, बैंक बाज़ार के ऐड पे आता था, किस में आता था? फ्री सिबिल स्कोर चेक करो, आई थिंक किसी एक टेलीविजन ऐड पे. सो वहाँ पे क्या है, वो सिबिल स्कोर चेक करने का कॉस्ट इज 500 रुपीज़ एज एन इंडिविजुअल. इफ़ यू गो एंड चेक तो दैट इज़ 500 रुपीज़, ठीक है? बट वहाँ पे कस्टमर को फ्री में मिल रहा है, तो क्या किया उसने, अपने जेब से 500 रुपया दे दिया, नहीं 1000 सिबिल स्कोर या 10000 एक साथ लेगा, बल्क डील करेगा तो कितने में मिलेगा उसको? दिल गेट टू बाई इट फॉर 200-300 रुपीज़. सो 200 रुपीज़ का एक गाजर डाला, उसके चक्कर में कस्टमर अपना पूरा डेटा देगा, सही है ना? उसका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उसका ईएमआई, अर्निंग पोटेंशियल सब चीज़ मिल गया. अभी इसके हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं. अभी व्हेन यू सेल योर प्रोडक्ट रियल सेट में, डू यू कस्टमाइज़ इट? अलग अलग लोगों के लिए ऑफर्स कस्टमाइज़ करते हैं ना. तो अगर ये डेटा आपको पहले से मालूम है तो आपको मदद होगा. सो कैन रियल स्टेट नॉट ट्राई एडिंग दिस एज अ बेट? अभी 100 लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2 वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म फिल करके जा रहे हैं, उनको बोला सिविल स्कोर फ्री में चेक करो, कितना कॉस्ट गया? 200 रुपये. अगर इस गाजर के चक्कर में 10 कस्टमर आ गए और 10 कस्टमर का डिटेल आ गया, तुम्हें भी कस्टमाइज़ कर सकते हो उसको एक ऑफ़र. अच्छा, इस बंदे का EMI का थोड़ा इशू होगा, इसको थोड़ा सा ऑफ़र दे क्या, या लेट्स से कुछ रिलैक्सेशन दे, सम ऑफ़र, राइट? सो देन एट दैट 200 रुपीज़ का गाजर पे मेरे पास अभी पहले 2 लोगों का डेटा आ रहा था, अभी 10 का आएगा. सो देन आई हैव इंक्रीज माई कन्वर्जन रेट फ्रॉम 2% टू 10%. तो ऐसे बहुत सारे हैं. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड वी विल अंडरस्टैंड सम मोर एज ए
But yes, so this is 40% of the digital marketer's role, right? And then now we start with, chalo gate khulte hai and let invite people.